हे दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन जायसवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे इस चैनल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी या ग्रुप सी को लेकर सारी जानकारी आपको मिलती रहती है, और साथ ही साथ आपकी जो स्टेज सेकंड की तैयारी है वो भी हमारे चैनल पर आपको मिल रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं ये वीडियो ग्रुप डी वालों के लिए बना रहा हूँ, और आज मैं यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी जो मेन स्टेज टू का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसके प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम है जो पेपर हुआ था उसका मैं एक पोर्शन यानी हिंदी का पोर्शन सॉल्व करवाने वाला हूँ। उसमें कैसे आंसर आए थे, उसके आंसर कैसे क्वेश्चन आए थे, उसके आंसर क्या होंगे आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 2016 इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी मुख्य परीक्षा जो हुई थी उसमें हिंदी के किस तरह के क्वेश्चन आए थे। अगर आप इस पूरे पेपर को चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला भाग एक जो है वो मैथ का है, जो मैं अलग से आपको सॉल्व करवाऊँगा व्हाइट बोर्ड पर। अभी जो यहाँ पर सॉल्व हो सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर वो है हिंदी का और जीके जीएस का। तो मैं पहला पार्ट हिंदी का बना रहा हूँ और सेकंड पार्ट आपका जीके जीएस का बनाऊँगा। ये भाग दो सामान्य अध्ययन है। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको भाग तीन अंग्रेजी का मिल जाता है, और सबसे आखिरी में आप अगर जाएंगे भाग चार पर तो यहाँ पर जो ये भाग चार है वो आपको हिंदी का मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर जो भाग चार हिंदी है आप देख सकते हैं इससे मोबाइल की स्क्रीन पर, इसको देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित गद्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर जो गद्य है वो आप पढ़ लीजिए, पांडु तथा धृतराष्ट्र भाई भाई थे, भाई थे, पांडु के पांच पुत्र थे तो वो पांडव कहलाए, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे तो कौरव कहलाएंगे। पांडवों में युधिष्ठिर तथा कौरवों में दुर्योधन बड़े भाई थे, युधिष्ठिर शांत व सत्यवादी थे, वहीं दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति का था। पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे परंतु उसने सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को देने से मना कर दिया, और शकुनी की कूटनीति की सहायता से पांडवों का हिस्सा भी हड़प लिया। पांडवों ने न्याय व अपना अधिकार पाने के लिए युद्ध करने का निश्चय किया। दोनों पक्षों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक भीषण युद्ध चला। इस युद्ध को महाभारत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा गद्य। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, आप देख सकते हैं पांडव के कितने भाई थे। तो दोस्तों पांडव के कितने भाई थे, देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया था। तो पांडव के कितने भाई थे दोस्तों, 5। ये आपके गद्य में दिया गया और वैसे भी आप सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े हम 77 की तरफ। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 77 है, पांडवों के पिता का क्या नाम था। तो आप सब जानते हैं पांडवों के पिता का नाम पांडु था, जिससे उनका नाम उनको वो पांडव हो गए। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, धृतराष्ट्र के सबसे बड़ा पुत्र कौन था। तो अभी आपने गद्य में पढ़ा धृतराष्ट्र का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो था दुर्योधन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, कौरव और पांडवों के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ। सब जानते हैं भाई, अगर आप गद्य नहीं पढ़े होते तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देते, वो है कुरुक्षेत्र के मैदान में। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो ये है कि इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक बताइए। उपर्युक्त शीर्षक आप महाभारत, आप सब जानते हैं कि महाभारत के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसका जो उपर्युक्त शीर्षक है वो है महाभारत। क्वेश्चन नंबर 81 है कि हमें सभी का आदर करना चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। आदर करना आप सब जानते हैं, तो आदर का विलोम क्या हो जाएगा भाई, निरादर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, आदि का विलोम शब्द क्या होगा। तो आदि का विलोम अंत होता है, जिसका जैसे आप सब जानते हैं आदि और अंत, तो आदि मतलब शुरुआत होती है और अंत मतलब आखिरी, तो शुरुआत का विलोम हो जाएगा अंत। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 है, ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आप सब जानते हैं ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे, इसीलिए आपको अपनी तैयारी ऐसी रखनी है कि आप 90+85+ नंबर आप लाने की कोशिश करें ऐसे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 84 है, सीमा कुछ छिपा रही है, लगता है दाल में कुछ काला है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ। रेखांकित मुहावरा है दाल में कुछ काला है, तो इसका जो अर्थ है वो है कुछ गड़बड़ होना।
इसके बाद अगर हम बात करें सीमांत पकोड़े खा रहा है रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो देखिए सीमांत पकोड़े खा रहा है, यहाँ पर जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि सीमांत पकोड़े खा रहा है वाक्य में सकर्मक क्रिया इसलिए होगी क्योंकि जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो आप देख सकते हैं सीमांत पकोड़े खा रहा है, तो जो सीमांत क्या चीज़ खा रहा है भाई, पकोड़े। पकोड़े हमारे हैं क्या, कर्म, इसलिए हमारा सकर्मक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर से जो रेखांकित वर्ग रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द से है, उसका आपको बताना है कौन सा कारक है। तो आप सब जानते हैं इसका जो कारक होगा से, ये हो जाएगा अपादान। अगर आप इसका रीजन जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। तो यहाँ पर गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जो है वो हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों, रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। तो इस रेखांकित अंश के लिए एक शब्द, ईश्वर को जो मानता है उसको क्या बोलते हैं भाई, आस्तिक या नास्तिक, आप लोग बताइए। उसको बोलते हैं दोस्तों आस्तिक। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आस्तिक, वो हो जाएगा हमारा सही। और जो ईश्वर को नहीं मानता उसको हम नास्तिक बोलते हैं, तो यहाँ पर आस्तिक ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, कठोर परिश्रम का परिणाम आँखों के सामने था। तो परिणाम आँखों के सामने के लिए आपको एक शब्द बताना है भाई। जब आँखों के सामने जो चीज़ होता है वो हमारा प्रत्यक्ष होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो सी होगा वो सही हो जाएगा। जो आँखों के सामने नहीं होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। इसके बाद है जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द बताइए। तो भाई जिसका आकार नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निराकार। जैसे हमारे ईश्वर, उनको निराकार बोला जाता है क्योंकि उनका कोई आकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि जिसका संबंध इतिहास से हो के लिए एक शब्द बताइए। भाई जिसका संबंध इतिहास से होता है वो क्या होता है, ऐतिहासिक होता है, ना कि पौराणिक, ना कि आस्तिक, ना कि कथित। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 91 की, तो ये है कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपर्युक्त शब्द बताइए। मेहनत करो डॉट 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 फेल हो जाओ। भाई मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, और भाई मेहनत करो और फेल हो जाओगे तो सही बनता नहीं है। मेहनत करो अथवा फेल हो जाओगे ये भी नहीं सही होगा, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, ये शब्द सबसे उपर्युक्त शब्द होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। रमा मोटी है डॉट डॉट डॉट, रना पतली, रैना पतली है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अन्यथा, परंतु, किंतु, एवं। तो रमा मोटी है अन्यथा, तो यहाँ पर अन्यथा तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं होगा। रमा मोटी है परंतु रैना पतली है, ये हो सकता है उपयुक्त शब्द। रमा मोटी है किंतु रैना पतली है, तो ये हमारे जो दोनों वर्ड हैं बी और सी दोनों ये ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए उत्तर में भी बी और सी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं दोस्तों 93 पर। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। पेड़ डॉट 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 कोई सो रहा है, तो पेड़ के नीचे कोई सो रहा है, पेड़ के अंदर कोई सो रहा है, या पेड़ के यहाँ, या पेड़ के किनारे। भाई पेड़ का किनारा तो होता नहीं, नदी का किनारा होता है। पेड़ के यहाँ, भाई पेड़ कोई स्थान तो है नहीं, पेड़ के अंदर, पेड़ के अंदर तो आप सो नहीं सकते हो, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, पेड़ के नीचे कोई सो रहा है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही है। तो देखिए यहाँ पर बनारस में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर बी है दोस्तों, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सी की, यहाँ पर है माता जी कल बाजार से सामान लाएंगी, और डी है उसको ठंडा फ्रिज का पानी दो। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से अगर हम बात करें तो दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल है, ये बिल्कुल सही लग रहा है, और सारे अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ दिया गया है दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही है। विकल्प ए में देखने योग्य और दर्शनीय दोनों में से एक विशेषण प्रयुक्त होगा,
विकल्प सी में क्रिया लाएगी के स्थान पर लाएंगी का प्रयोग होना चाहिए, जबकि विकल्प डी में विशेषण ठंडा का प्रयोग फ्रिज के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए प्रयुक्त होगा। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर क्यों ऑप्शन बी सही होगा और ए सी डी गलत क्यों होगा, बिल्कुल क्लेरिफिकेशन के साथ यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्धि बताइए। भाई क्रिया विशेषण संबंधित मतलब आप पर क्रिया विशेषण संबंधित आपको अशुद्धि बतानी है। तो पहला है प्रदीप तेज लड़का है, पहली बात तो प्रदीप तेज लड़का है। सेकंड है लता मधुर गीत गाती है, प्रदीप तेज लड़का है यहाँ पर तो कहीं क्रिया आई नहीं है। लता मधुर गीत गाती है, क्रिया कृष्ण ने पापी कंस का वध किया और धीरे धीरे खेती वे उस समय अधिक करने लगे। तो आप साफ साफ दिख रहा है जो क्वेश्चन नंबर डी है बिल्कुल अशुद्ध लग रहा है, धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे, ऐसा कोई वर्ड तो मतलब बिल्कुल साफ साफ लग रहा है इसमें अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 है महाकवि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। इसके पहले आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए जिससे आपके सारे आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है महाकवि सूरदास का जन्म 1879 में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुकता नामक ग्राम पे हुआ था। तो रुकता आप इसको याद रखिएगा। इन्होंने कृष्ण भक्ति परंपरा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन अत्यंत सजीवता से सूर सागर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो सूरसागर याद रखिएगा, यह कृष्ण भक्ति कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति कवियों में कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मान मतलब जन्म से ही अंधे थे, परंतु यह श्री कृष्ण की मनोरम छवि मन की आंखों से देखते थे। इनके पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव चित्रण मिलता है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96 है महाकवि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। अभी हमने रुणकता को अंडरलाइन किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था देख लीजिए, इनका जन्म कब हुआ था यहाँ पर दिया गया सन 1879, तो 1879 में हुआ था। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर भाई बी सही हो जाएगा, 1879। क्वेश्चन नंबर 98 है इन्होंने कृष्ण किसकी भक्ति के पद लिखे, तो आप सब जानते हैं सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति के पद लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो इनके प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। तो इनका जो प्रसिद्ध महाकाव्य है अभी हमने अंडरलाइन किया था सूर सागर, इनका जो प्रसिद्ध महासागर है वो है क्या सूर सागर। और क्वेश्चन नंबर 100 मतलब कि सबसे आखिरी जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन्होंने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है। तो कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, जो सारी चीज़ें आपको गद्यांश में दी गई थी वहीं से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान मतलब बहुत ही आसान पेपर आया हुआ था, और इसी तरह का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, इसी तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप अपनी मैथ को अपनी रीजनिंग को इतना मजबूत रखिए कि हिंदी इंग्लिश और क्या बोलते हैं जीके जीएस सही करने के बाद भी आपके वहाँ पर 100% कंप्लीट हो पाए, जिससे आपके जो नंबर हैं 85 से 95 के बीच में रहे हैं। क्योंकि जानते हैं यार कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई गई है, तो आपको उसी तरह आपके नंबर को भी उतना ज़्यादा हाई लेकर चलना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में मैं जीके और जीएस के क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ इसी पेपर से। और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट तुरंत मिलती रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।